कैमरे में बंद अपाहिज। लिखा है रघुवीर सहाय ने इस कविता को। इस कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्रायः मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक बनाने और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे क्रूरता पूर्वक विभिन्न तरह के उनके अंदर दुख को बढ़ाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर कुरेदा जाता है, उनके घावों को ताज़ा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और करुणा से रो पड़े। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इसी क्रूरता और व्यावसायिकता की भावना पर कटाक्ष किया है इस कविता में जो आज हम पढ़ रहे हैं। कविता का पहला स्टेंजा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। समर्थ यानी शक्तिशाली, शक्तिमान यानी ताकतवर, दुर्बल यानी कमजोर, अपाहिज यानी जिसका कोई अंग बेकार हो। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वे अपनी बात को सर्वदूर भेजने में समर्थ हैं। संचालक कहता है, हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर निरीह अपाहिज व्यक्ति को बुलाएंगे और उस लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे, तो हाँ बताइए क्या आप अपाहिज हैं। वह इसका उत्तर दे इससे पहले ही हम उससे पूछ लेंगे कि आप अपाहिज क्यों हुए। यह प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि अपाहिज होना उसके हाथ में नहीं है, उसके वश की बात नहीं है। वह जानता है कि जो प्रश्न पूछ रहा है वह उसका बेतुकापन है कि अपाहिज क्यों हुआ, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो वह मौन रहेगा, चुप रहेगा। अगर वह चुप रहेगा तो उसकी इस चुप्पी को और ज़्यादा कुरेद कर पूछा जाएगा। उससे फिर से प्रश्न पूछेंगे कि आपको अपाहिज होना बहुत दुख देता होगा, यानी आप अपाहिज जो हुए हैं इससे आप बहुत दुखी होंगे। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा, यानी चुप रहेगा। उससे फिर पूछेंगे कि क्या आपको अपाहिज होना सचमुच दुख देता है, बताइए क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं। इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और भी बड़ा करके दिखाने लग जाता है और कैमरे की नज़र उसके चेहरे पर होती है। साथ ही संचालक उसे बार बार कुरेद करके ये पूछता है कि हाँ तो बताइए आप अपने दुख के बारे में सभी लोगों को बताइए, आपको देखा जा रहा है, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। फिर वो पूछता है, अपाहिज जी आप सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। अब देखिए कितने अपाहिज से बेतुके सवाल पूछे जा रहे हैं और कवि ने इनको कितनी सटीकता से दिखाया है। आपके जो कवि ने जो पोइम में लाइन लिखी है आपके दिमाग में बिल्कुल वो एक बिंब बन जाएगा अपाहिज व्यक्ति का और उसका इंटरव्यू लेने वाले कैमरामैन का या संचालक का। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए। फिर संचालक कहता है, आप अपाहिज हैं यह सोचकर आपको बुरा लगता होगा, सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है।
अपाहिज फिर भी अपने सुख दुख के बारे में मौन रहता है, तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहुदगी से इशारे करके कहता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है, सोचकर बताइए। ज़रा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? एक बढ़िया मौका आपको मिला है, यह क्या आप खो देंगे? आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिल रहा है। इस तरह से कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है और कहता है कि हमें तो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि हम पूछ कर उसे रुला देंगे। यानी कि अब वो खुद ही कह रहा है कि हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि अगर वो ना भी रोएगा तो ही हम उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तो हम अपनी सारी कोशिशें करके उसे रोने के लिए मजबूर कर देंगे। दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतजार नहीं करते? जरूर करते हैं। अन्य पंक्तियों में फिर कवि कहता है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कहता है कि संचालक क्या कह रहा है, हम फिर उसे पर्दे पर दिखाएंगे अपाहिज की तस्वीर को, जिसकी आँखें दुख के कारण रो रो करके बड़ी हो गई हैं, फूल गई हैं, चारों तरफ स्वेलिंग आ गई है आँखों की, बड़ी सी बहुत बड़ी तस्वीर होगी, साथ ही उसके होठों पर कसमसाहट भी होगी। यानी जो उसका दर्द है, जो उसकी पीड़ा है, उसकी छटपटाहट है, वो भी उसके होठों पर उस तस्वीर में स्पष्ट नज़र आएगी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब कवि कह रहा है कि संचालक ये कहता है कि अब आपको ये लगेगा कि उसका जो दुख है वो उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसके होंठों पर जो दुख आ रहा है वो उस पिक्चर में दिखेगा। एक और कोशिश, धीरज रखिए दर्शक, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। अब संचालक दर्शकों को यह कहेगा कि एक और कोशिश करके देख लेते हैं अपाहिज को रुलाने की, ये कैसे उसका दर्द दिखाएं, ना केवल अपाहिज रो पड़े, कुछ ऐसा करें कि अपाहिज भी ना रोए तो साथ ही उसके दर्शक तो रो पड़े। परंतु प्रायः ऐसा होता है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता और तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश दे देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सका तो ना सही, पर्दे पर एक एक क्षण की कीमत है, उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम के संचालक मुस्कुराएंगे। अब मुस्कुराएंगे हम, यानी वो अब मुस्कुराएंगे और मुस्कुराकर दर्शकों को संबोधित करके कहेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा, इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचे।